आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है, HX एक दुर्बल अम्ल है जिसके लिए Ka का मान 10^-5 है। यह कॉस्टिक सोडे के साथ अभिक्रिया करके एक लवण NaX बनाता है जिसका सांद्रता 0.1 m है। तो NaX के लिए जल अपघटन की मात्रा क्या होगी ये बताइए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो लवण है उसमें कौन सा दुर्बल अम्ल है। ध्यान दीजिएगा, दुर्बल अम्ल कौन सा है, HX। और इसके साथ कॉस्टिक सोडा क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का ये लवण है, तो ये जो हाइड्रोलिसिस होगा ये अम्लीय होगा, ठीक है ना। अब अम्लीय क्षार, अम्लीय हाइड्रोलिसिस होने का मतलब कि यहाँ से जो KH आएगा, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये कितना होता है, CH2 होता है, ठीक है ना। और इसके बाद आप जानते हैं कि KH इंटू Ka का मान जो होगा वो किसके बराबर होता है, KW के बराबर होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ से KH कितना आ जाएगा, KW बटा में Ka। ये समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 1। 1 और 2 को जब आपस में समीकरण मिलाएंगे तो यहाँ से KH का एक रिलेशन आ जाएगा, H का रिलेशन कितना आ जाएगा, रूट अंडर KW बटा में Ka इंटू सी। क्वेश्चन में देखिए सब कुछ दिया हुआ है। अब KW का मान आपको याद होना चाहिए कि वाटर का KW कितना होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10^-14 होता है, ये याद होना चाहिए। Ka कितना है, 10^-5 क्वेश्चन में दे रखा है, और सांद्रता भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 10^-1, और Ka दे रखा था 10^-5। यहाँ पर रख देते हैं, चलिए बताइए कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो रूट में आ जाएगा -14 - 6, 8, 6, 14, 10^-8। जब रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ से H कितना आ जाएगा, 10^-4, कितना होता है, 0.0001 मोलर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, 0.0001। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, हमारा आंसर इसका ए होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।